अस्सलाम वालेकुम वीवर, सबीन्स किचन में एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है। आज हम आपके लिए बड़ी मज़ेदार सी एक रेसिपी लेकर आए हैं कीमे की, जो आप अफ्तारी में भी एंजॉय कर सकते हैं और सहरी में भी। वीवर, इसके लिए हमें जो अजज़ा चाहिए, 1 kg हमें कीमा चाहिए, बीफ है ये, आप चिकन में भी बना सकते हैं, हसबे जायका नमक चाहिए, लहसुन का पिसा हुआ पेस्ट चाहिए, कचरी पाउडर चाहिए, दही चाहिए 1 कप, 1 कप एक दरमियाने साइज़ का पपीता चाहिए जो पीस के रखा हुआ है हमने, लाल पिसी हुई मिर्ची 2 टेबल स्पून चाहिए, और गार्निशिंग के लिए हमें ये हरी मिर्चें, कटी हुई अदरक, लेमन और धनिया और पुदीना कटा हुआ चाहिए होगा, और प्याज लाल करने के लिए हमें एक दरमियानी प्याज चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, हम अपनी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। ये इतनी इजी रेसिपी है कि अगर ये मैरिनेट हुआ हो तो 15 से 20 मिनट के अंदर फ़ौरन तैयार हो सकता है। इसको मैरिनेट करके आप फ्रीज कर दीजिए, कोई अचानक से मेहमान आ जाता है या आपको झटपट चाहिए तो फ़ौरन निकालें और बना लें। इसकी मैरिनेशन के लिए हम ये जो लहसुन है ये इसमें शामिल करेंगे, कचरी पाउडर इसमें डाल देंगे जो हमने 2 टेबल स्पून लिया है, पपीता दरमियाने साइज़ का पपीता है इसको पीस लिया हमने, प्योर नमक हसबे जायका जितना आप लोग पसंद करते हैं उतना नमक, लाल पिसी हुई मिर्च, ये सब चीज़ें डाल के हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके, तकरीबन अगर उसी वक्त पकाना है आपने तो हम इसको 1 घंटे के लिए कम से कम मैरिनेशन के लिए लाजमी रखेंगे। वीवर, एक दरमियाने साइज़ का कोयला भी चाहिए होगा हमें, ताकि हम आखिर में इसकी स्टीम दें और ताकि हमें बिल्कुल बाज़ार वाला लुक मिले इसका। अब ये पहले से मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ है, तकरीबन 2 घंटे इसको मैरिनेट किया हुआ है ताकि ये मसाले अच्छी तरह इसके अंदर शामिल हो जाएं। सबसे पहले एक पैन के अंदर हम 1 कप ऑयल को गर्म कर लेंगे और उसके अंदर दरमियानी बारीक कटी हुई प्याज जो हमने दरमियाने साइज के लिए उसको हमें ब्राउन कर देखें। व्यूअर, ये हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन होने चाहिए, कच्ची ना हो, क्योंकि फिर मीठा टेस्ट आता है अगर कच्ची होगी। ये गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब जो मैरिनेशन हमने की थी कीमे को जो मैरिनेट करके रखा हुआ है वो हम इसमें शामिल करेंगे। व्यूअर, इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। देखें, फ्लेम हमारी तेज ही है, हल्की नहीं करनी। अब ये कीमा जो गोश्त है भुनने के बाद खुद अपना पानी छोड़ेगा और इसके ही पानी में इसको गलाना है, तो मज़ीद पानी ऐड नहीं करना। ये देखिए, ये अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो 1 कप दही हमने ली थी वो हम डाल देंगे। दही भी पानी छोड़ेगी, उसी पानी के अंदर ये गल जाएगा। इसको हम मिक्स करके ढक देंगे और इसके पानी को ड्राई होने तक हम इसको पकने देंगे। ऑयल ऊपर आ जाएगा पकने के बाद, तो इसकी निशानी है कि ये तैयार हो गया। तकरीबन ये 20 मिनट में रेडी हो जाएगा। देखिए व्यूअर, हम ये 10 मिनट्स के बाद इसकी देखें ये शक्ल हो गई है। इसको हम चलाएंगे हल्का सा। अभी हमें इसका पानी थोड़ा सा और ड्राई करना है, 5 मिनट्स ये और पकेगा। जब तक हमने ये जो अपना कोयला है इसको हमने जलने के लिए रख दिया है, जब हम इसको डिश आउट करेंगे तो उसके बाद जो है हम इसको कोयले को कीमे के ऊपर रखेंगे और ऊपर से ढक देंगे ताकि इसका फ्लेवर कीमे के अंदर आ जाए। जी वी भाई, ये देखें तैयार है, ड्राई हो गया है ये, बिल्कुल ड्राई भी नहीं करना इसको। ये हमने डिश आउट किया है। अब हमारा प्रोसीजर ये है कि हमने प्याज एक रखनी है और उसके ऊपर जो हमने ये कोयला है, कोयला हम रख देंगे इसको। कोयले के ऊपर हम ये देखें, जैसे ही हम ऑयल डालेंगे थोड़ा सा, इसके ऊपर से ये धुआं निकलना शुरू हो जाएगा और हमने इसको कवर कर देना अच्छे से। विवर, ये हमारा तैयार हो गया है। ये देखें धुआं इसमें से निकल रहा है, ये फ्लेवर जो कोयले का है वो कीमे के अंदर आ गया है। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। हमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें अपने हिसाब से जितनी आप पसंद करते हैं, अदरक,
जी वीवर, ये हमारा जो है कचरी पपीते का कीमा तैयार है। ये हमें जो है दही और हरी चटनी जो है इसको मिक्स किया हुआ है, धनिया पुदीना हरी मिर्चों को मिला के, और ये जो है पराठे के साथ, चपाती के साथ और नान के साथ, तीनों के साथ सर्व होता है, जिसके साथ आप पसंद करें। अगली रेसिपी में आपको ये घर में पराठा बनाना बताऊंगी, ये मैंने घर में ही बनाया हुआ है। आप इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल जैसे बनसोड़ का कीमा होता है उसी तरह का है ये। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए कि आपको कैसा लगा है, और अपनी दुआओं में याद रखिए।